तो दोस्तों वेलकम बैक। और आज का दिन है 12th of October, बुधवार का दिन है, सुबह के 10:52 का टाइमिंग हो रहा है। और हमेशा की तरह बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, और नीचे जो हाइलाइटेड जोन आपको नजर आ रहा है ना, ये एक पॉसिबल सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करने की संभावना है। क्यों है, कैसे है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने, ट्रेड का एग्जीक्यूशन वगैरह भी करूंगा। वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल बड़ी ध्यान से देखना। देखो ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी आज सुबह से एक रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर आप बारीकी से देखोगे तो एक रेंज बन चुकी है बैंक निफ्टी के लिए। अभी लेके चलता हूँ आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे। इस तरह से ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद में मेरा ट्रेड का प्लान किया करता हूँ, तो बारीकी से देखा करो ये चीजों को आप। तो देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने ये जो डाउनफॉल कल के दिन दिखाया था, और आज सुबह वहां पे हैमर बना है, तो वो हो गया सपोर्ट। और अब के बार फिर से उसी जोन में वो सपोर्ट लेने की संभावना है। ऊपर कितना जा सकता है, देखो ये सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, उसके बाद वो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। सो दैट इज द ओनली रीजन कि मैं वहां पे कॉल्स वगैरह को बाय करने का प्लान कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने बोल के रखा है कि मैं कॉल्स वगैरह को इस सपोर्ट जोन के आसपास बाय करूंगा, तो वहां पे सारे लोगों को पता है कि मैं कॉल्स वगैरह भी थोड़ी देर में बाय करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं हमारे ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। 38,500 की कॉल आएगी, मेरे ख्याल से ठीक रहनी चाहिए। एक बार प्रीमियम्स वगैरह देख लेंगे इसका। नहीं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं क्योंकि आज बुधवार है और कल की एक्सपायरी है। चलो ये ठीक रहेगा। सो 400 की कॉल हम बाय करने वाले हैं, लेकिन ये अभी किसी भी वक्त हमें बाय नहीं करना है दोस्तों। प्रॉपर प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो जाने दो, उसके बाद हम बाय करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ करी है ना, ये पिछले 4 मिनट से एक कंसोलिडेशन का मतलब ब्रेकआउट करने के बाद हम बाय करने का सोच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखो हम ऊपर से नीचे डे लो के बिल्कुल आसपास आए हैं, तो वहां पे रिस्क लेना मतलब किसी भी टाइम पे कुछ भी बाय करना, ये मतलब थोड़ा समझदारी का काम नहीं रहेगा। प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देते हैं, मुझे इस ट्रेंड लाइन वगैरह भी यहाँ पे नजर आ रही है बनते हुए, लेकिन इतने जल्दी ऊपर निकल जाएगा इसमें मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम इंतजार करेंगे। ये देखो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये जो इमेज आ रही है ना, इस तरह से मैंने बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके रखी हुई थी, और वो टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करके रखी हुई थी। इसलिए मैं बोल रहा था कि वहां पे सारे लोगों को पता है कि मैं कॉल्स को थोड़ी देर में बाय करने वाला हूँ प्राइस एक्शन बनने के बाद। ये मैं डेली बेसिस पे करता हूँ दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले वहां पे क्लियर कट बोल के रखता हूँ कि मुझे कॉल्स को बाय करने में इंटरेस्ट है या फिर पुट्स को बाय करने में, और उसके बाद मैं खुद का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको भी ऐसे मतलब डेली बेसिस पे एनालिसिस चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ इस चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो। देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन वगैरह बनती हुई नजर तो आ रही है मुझे, लेकिन फिलहाल इसने ऊपर वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने का सोचा है, ऐसे मुझे नजर आ रहा है। अभी भी मेरे अंदर मतलब ना उतना कन्विक्शन नहीं है, मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ओवर कॉन्फिडेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों, ट्रेडिंग में होना भी नहीं चाहिए। बट जिस तरह से इसने चार्ट का प्राइस एक्शन वगैरह बनाया है, पॉसिबिलिटी इज हायर है कि वो ऊपर ही काटेगा, लेकिन कन्विक्शन जो होता है ना ट्रेड लेने का, वो मुझ में अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कैंडल को देखते हैं कहाँ पे खत्म कर रहा है। काफी बढ़िया कैंडल ने मतलब ऊपर के साइड ब्रेकआउट तो दिया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे अभी ये फीलिंग है कि नहीं, अभी यहाँ पे इसको बाय नहीं किया जा सकता है। माफ कीजिएगा, मेरा बीच बीच में ट्रेड टाइगर का वगैरह ये आते रहता है। सो इस वाले कैंडल को खत्म होने के लिए अभी और 40 सेकंड बचे हैं दोस्तों, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं दोस्तों। देखो वो अंदर आने की फिर से कोशिश कर रहा है ना। देखो आपको पता है कि आपको कॉल्स को अगर बाय करना है, आप मार्केट को लेके बुलिश हो, लेकिन ना एक सही समय पे आपको हैमर करने के लिए भी आना चाहिए दोस्तों। अगर देखो आपके अंदर कन्विक्शन नहीं आ रहा है ना, तो आप थोड़ी देर इंतजार करो दोस्तों। देखो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, बाय के लिए हम रेडी रहेंगे 300 क्वांटिटीज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर इंतजार करो दोस्तों। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी रेट पे कुछ भी बाय करना है। तो देखो दोस्तों ये वाली कैंडल कुछ अच्छी नहीं गिरी है, इस ट्रेंड लाइन को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। मैं वो बोल रहा था ना आपको, मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये था। देखो दोस्तों ये यहाँ से लेकर के
इस वाले जोन में रेसिस्टेंस है दोस्तों। आपको मतलब देख के ऐसे नहीं लगेगा कि वो रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर आप और भी छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे ना, अभी ये एक मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप इससे छोटे मतलब 15 सेकंड 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे रेसिस्टेंस है दोस्तों। सो अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ी देर और इंतजार करते, इस ट्रेन लाइन को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी अभी मुझे जरूरत नजर नहीं आ रही है। देखो इस वाले जोन को अगर आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे, मिला आपको और एक सपोर्ट, दैट इज द रीजन कि मैं बोल रहा था। देखो ये एक जोन में सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट रहा, ये सपोर्ट रहा, ये वाला सपोर्ट के बाद ब्रेक डाउन हुआ था। जब अब ये ऊपर आया तो उसने क्या किया है, एग्जैक्टली वहां पे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया है दोस्तों। सो इस तरह से आपको भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए आना चाहिए, आपका ट्रेड का जो डिसीजन है वो खुद लेने के लिए आना चाहिए। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं इस प्रकार लाइव रिकॉर्डिंग किया करता हूँ, ताकि ट्रेड लेने से पहले मैं किस तरह से सोचता हूँ, मेरी क्या सोच होती है, वो आपको सीखने मिले और आप खुद का ट्रेड आगे चल के खुद प्लान कर पाओ दोस्तों। अभी फिलहाल ये सपोर्ट जोन के अंदर तो आते हुए मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत या फिर कन्विक्शन नहीं है कि मुझे यहाँ पे उसको तुरंत बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम डे लो के बिल्कुल पास है, यहाँ से बड़ी बड़ी रेड कैंडल गिर के इस सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे भी जा सकता है दोस्तों। सो फिलहाल और थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों, देखते दोस्तों प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम बाय करेंगे। और दोस्तों थोड़ी ही देर बाद देखो बैक टू बैक उसने ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कर दी है, अभी भी मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन करी है, जो कि आई गेस 100 पॉइंट हो सकते हैं। ये हम काउंट करके देखेंगे, यहाँ से लेकर के हाई कितना किया इसने, ये वाला हाई देखो दोस्तों 75 पॉइंट्स इन अ बैंक निफ्टी 3 मिनट के अंदर मूवमेंट आई है। तो यहाँ पे भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल वहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह सब कुछ है, लेकिन अभी माल बहुत महंगा हो चुका है, इस वाले रेट पे भी मैं मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं है कि मैं बाय करूँ। मुझे ये सब कुछ नजर आ रहा है, देखो थोड़ी देर पहले मैंने ही आपको बताया ना, ये सपोर्ट थे, अभी उस सपोर्ट को एक अच्छी वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया है। आप लोग नीचे कमेंट करके भी ये भी बोलोगे कि फिर वहाँ पे आप बाय क्यों नहीं किए, क्योंकि आपको वहाँ पे ब्रेकआउट तो दिख रहा है। बिल्कुल भी मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसने ऑलरेडी 70-80 पॉइंट का मूवमेंट 3 कैंडल के अंदर किया है और ये चल ही रहा है। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मतलब नीचे के साइड पे वो आना चाहिए, तभी मैं बाय करूंगा। देखो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लोगों के मैसेजेस आना चालू हो गए हैं कि सर टारगेट वगैरह अचीव हो चुका है, आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे होंगे। तो देखो दोस्तों शायद उन्होंने मतलब सपोर्ट पे एग्जैक्टली बाय किया होगा और ये जो 75 पॉइंट्स की मूवमेंट आई उसमें उनका टारगेट भी हिट हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन देवाशीष जी, अभी मेरा ट्रेड तो अभी मैंने एग्जीक्यूट किया नहीं है, देखते हैं दोस्तों अगर ये रिटेस्ट वगैरह करने नीचे आता है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों देखो थोड़ी ही देर में बैक टू बैक जो 75 पॉइंट्स की रैली हुई थी उसको रेड कैंडल ने खत्म कर दिया है। इस वाले हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश करती है तो मैं सोचूंगा वहां पे बाय करने के लिए। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्लेस करके रखता हूँ। देखो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी होगी चलेगा, लेकिन स्किप मत करना मेरी साइकोलॉजी, देखो मेरी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। मेरे सामने मार्केट ऊपर गई, लेकिन मैंने क्या वहां पे बाय किया, बिल्कुल भी नहीं किया। जब आपके पास प्रॉपर कंफर्मेशन हो और आपको माल जब सस्ता मिले तभी बाय करने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे हाथ से ये ट्रेड निकल जाएगा, लेकिन मार्केट मेरे जेब से पैसा तो मतलब ले नहीं सकती है ना, मैंने ट्रेड लिए बगैर मुझे लॉस तो होगा ही नहीं। सो इस तरह से जब आप कूल माइंड से स्क्रीन के सामने बैठोगे, जब आपका कन्विक्शन हाई होगा, जब प्रॉपर एंट्री का लेवल आपको दिखेगा तभी बाय किया करो दोस्तों। एंड दैट इज द रीजन कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग किया करता हूँ। अगर कुछ भी नया सीखने मिल रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है दोस्तों। सो अभी देखते हैं ये तीसरी बार सपोर्ट के पास आया है, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लेंगे हम प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास, देखते हैं दोस्तों अगर यहाँ से ये फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो मैं बाय करने की सोचूंगा। देखो एग्जैक्टली बुल्स जो है मार्केट को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था ना, मेरे अंदर मतलब मुझे ये तो पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जानी है, लेकिन मुझे किसी भी रेट पे कुछ भी बाय नहीं करना है। जब मेरा प्राइस एक्शन प्रॉपर सेटअप बनाएगा तभी मैं बाय करूंगा। और दोस्तों फाइनली मुझे यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम नजर आ रहा है आफ्टर फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉटम पैटर्न। बिफोर ब्रेकआउट बाय करने की मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो एक बार दो बार
तीन बार उसकी कोशिश हो चुकी है। जब ये चौथी बार आएगा तो आप लोगों को पता है कि उसके अंदर कितनी पावर होने वाली है दोस्तों। सो एक दो सेकंड यहाँ पे इंतजार करते हैं। ये भी कैंडल ग्रीन फॉर्म हो रही है। चलो यहाँ पे फटाफट मैं कर लेता हूँ बाय 498। काफी महंगा उठाया है हमने, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे हमने माल उठाया है। ये आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना। सो 498 प्लस 20 पॉइंट्स वुड बी 518। सो आप लोगों के सामने सिस्टम में यहाँ पे मैं टारगेट की प्लेसमेंट कर देता हूँ 518। ऑर्डर बुक में भी चलते हैं, वहां पे भी देखेंगे। जी हाँ, ऑर्डर वगैरह हमारा प्लेस हो चुका है। अभी हमारी एंट्री करीबन इस वाले कैंडल पे हुई है, हाई के अराउंड यहाँ पे, राइट। सो अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इज टारगेट एंड स्टॉप लॉस। सो टारगेट अगर आपको ज़्यादा रुकना है तो आप इस वाले जोन तक बड़ी आराम से रुक सकते हो, क्योंकि वहाँ से एक्चुअल में गिरावट चालू हुई थी। एंड स्टॉप लॉस की अगर मैं बातें करूँ, देखो 1700 रुपीज का प्रॉफिट वगैरह तो यहाँ पे दिखा रहा है। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बातें करूँ तो इस सपोर्ट जोन के नीचे हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड फिलहाल 1:1 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से मतलब बैंक निफ्टी आगे बढ़ते जाएगी, हम हमारे रिस्क भी कम करते हुए चलेंगे दोस्तों। करंटली देखा जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट वगैरह चल रहा है, 1000 रुपीज 2000 रुपीज का मुनाफा या ऑलरेडी हमें दिखा चुका है। देखते हैं दोस्तों अभी ये वाला ट्रेड हमारा किस तरह से परफॉर्म करता है। दोस्तों ये आया हुआ है 512 का रेट, तो जस्ट अभी मैंने देखा है स्क्रीन पे 4000 के आसपास 3500 के आसपास मुनाफा दिखाई दे रहा है। इसने क्लोजिंग वगैरह ब्रेकआउट के ऊपर और फिर से कर दी है। सो हमारी रिस्क को अभी हम क्या कर लेंगे, हमारे रिस्क को हम कर लेंगे कम, जो कि ऑलरेडी मैंने चार्ट पे करके रखा है। 514 तक तो ये आया हुआ मुझे नजर आया है। किसी भी समय ये अपना टारगेट अचीव करके जाने की संभावना मुझे नजर आ रही है दोस्तों। सो देखो इस तरह से अभी कितना मतलब मैंने टाइम लिया है ट्रेड का एग्जीक्यूशन करने के लिए, करीबन 20-25 मिनट मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करी है दोस्तों। उसके बाद अभी मैंने ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया है। सो आई होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। एक बार ये इस वाले जोन तक आने की संभावना है, क्योंकि वो रीटेस्ट का जोन है उसके नीचे, लेकिन उसने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। सो अभी देखते हैं किस तरह से एक्ट करता है। अगर ये घूम के अंदर आता है तो मुझे वहां पे मेरा लॉस भी बुक करना पड़ सकता है, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ना के बराबर नजर आ रही है। ये भले ही रेड कैंडल की फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ये जस्ट एंड जस्ट रिट्रेसमेंट है, क्योंकि इसने चार बार कोशिश की थी और चौथी बार ब्रेकआउट दिया है। तो ये जस्ट सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, उसको जाना यहाँ से ऊपर ही है। और कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्कुल मत होना, मतलब मेरी बातें वगैरह सुन के, मेरी वीडियोस को देख के, लेकिन इस तरह से आपके अंदर जब कन्विक्शन आएगा तब आपको ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो गेम की तरह लगेगा दोस्तों, बिलीव मी। सो अभी थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। ये वाला जो प्रीवियस अभी हाई किया है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो हमारा स्टॉप लॉस को हम और भी ऊपर लेके आएंगे दोस्तों। और देखो दोस्तों इसने फिर से एक बढ़िया ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कर दी है, और साथ ही साथ ऐसे कुछ एक ट्रेंड लाइन वगैरह बनती हुई नजर आ रही थी, उसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने के चक्कर में है और उसने कर भी दिया है। सो हम क्या करेंगे, हमारे रिस्क को और थोड़ा कम कर लेते हैं। जहां से एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे अभी हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए पर्पज से बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ से इस ट्रेड से जैसे ही मुझे 20 पॉइंट्स का मतलब मुनाफा नजर आएगा, टारगेट तो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, वहां पे मैं निकलने की कोशिश करने वाला हूँ दोस्तों। ये फिर से आया हुआ है 513 514 का रेट तो दिखाया है इसने स्क्रीन पे, 515 भी दिखा दिया है। किसी भी समय ये अपना टारगेट अचीव करने की संभावना मुझे नजर आ रही है दोस्तों। थोड़ा टाइम और हमें इंतजार करना पड़ सकता है। 516, 517 और 518 देखो क्विकली इसने कर दिया है अपना टारगेट अचीव। तो ऑर्डर बुक में चल के देखते हैं। जी हाँ, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। इस वाले स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ, इस वाले स्क्रीन को भी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। कई सारे लोग कंप्लेंट वगैरह करते रहते हैं हमेशा, दैट इज द ओनली रीजन। तो चलो क्या मतलब हमने किस रेट पे माल लिया था, 498 × 300। सो 150,000 रुपया के आसपास हमें कैपिटल लगा था, 6000 का मुनाफा हमने बुक किया था, इंटू हमें 100 करना होगा। सो राउंड फिगर 4%, सो 3.80 या 3.70 के आसपास के मतलब हमने आज के दिन पे मुनाफा बुक किया है दोस्तों। चार्ट में से ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, बारीकी से फिर से देखना, फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन इतना सिंपल है ना दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर कभी भी लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा था, कल का जो लो था वहां से आज एक हैमर की कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी। दैट मींस मुझे ये तो पता था कि वो एक सपोर्ट जोन बन चुका है। बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करने के बाद उसी जोन में आई थी,
उस जोन में आने के बाद फिर से उसने उसी जोन में एक ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन करी। जब ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आया था, मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं था तो मैंने बाई नहीं किया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा, मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं था, मैंने नहीं बाई किया। फिर बिफोर ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं पे मैंने फोर्थ टाइम जब वो आया तो बाई किया, हल्का सा इसने रिटेस्ट किया और आगे की कहानी आप लोग ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हो। अभी मैं तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन आप वीडियो को मतलब मार्केट को देखना, यहाँ पे जिनके भी स्टॉप लॉस रहेंगे ना वो मार्केट जरूर और जरूर खाने की संभावना मुझे नजर आ रही है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के इस लाइव ट्रेडिंग के वीडियो से अपने प्राइस एक्शन का कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट जरूर और जरूर सीखा होगा। नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या क्या चीजें आज के दिन पे नहीं सीखी है। साथ ही साथ आपको मेरे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी भी सीखने मिल चुकी होगी कि मैं ट्रेड का प्लान किस तरह से करता हूँ। मेरे सामने मार्केट ऊपर जा रही थी फिर भी मैंने बाई नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं था। तो इस तरह से ना ये छोटी छोटी चीजें आपको लगेगी, लेकिन इसको ग्रास्प करने की कोशिश करो दोस्तों, उससे आपके ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आने की संभावना है दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपके कोई दोस्त हो जो ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करके रख सकते हो। अगर डेली बेसिस पे मेरे बैंक निफ्टी की एनालिसिस अगर आपको चाहिए, जहाँ पे मैं ये मेंशन करता हूँ ट्रेड लेने से पहले कि मैं कॉल को बाय करने वाला हूँ या फिर पुट को बाय करने वाला हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिलेगी। वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके रख सकते हो। वहाँ पे मैंने कमेंट्स का वगैरह भी सेक्शन ओपन रखा है, तो अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह है तो वहाँ पे आप वो पूछ सकते हो। आपका कुछ अगर व्यू है वो भी आप शेयर कर सकते हो, आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिलेगा दोस्तों। तो अभी कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी होने वाली है, गुरुवार का दिन है, तो फिर से हमारी और एक बार मुलाकात होगी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।